किसी शायर ने कहा था कि मोहब्बत नहीं मेहनत करो, कि मोहब्बत नहीं मेहनत करो, क्योंकि धोखा नहीं मौका मिलेगा जिंदगी बदलने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धाकर मैथ क्लासेस में। मैं रंजन सिंह। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कुछ विभाजन का रूल बताया था जो कि 2 से 5 तक था। अब चलिए इस वाले वीडियो में हम लोग 6 से लेके और 11 तक विभाजन का कुछ रूल जानेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रूल देखते हैं। तो देखिए 6 से विभाजन का रूल है हम लोग का कि यदि दी गई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या भी 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब चलिए इससे तो चलिए अब कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे लेंगे कि 35,136, ये हमारा संख्या है। अब यह देखना है कि 6 से विभाजन होने के लिए सबसे पहले किसका रूल फॉलो होना चाहिए, 2 और 3। अगर यह संख्या जो है 2 और 3 दोनों से कट जाए तो 6 से भी कट जाएगा। तो 2 का रूल था कि दी गई संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ लास्ट में क्या है, 6 है। तो यह संख्या जो है वह 2 से पूर्णतः विभक्त हो गया। तो फर्स्ट रूल तो फॉलो कर रहा है। अब सेकेंड रूल देखते हैं 3 से। तो 3 का क्या रूल था कि टोटल संख्या को जोड़ के और 3 से भाग देंगे, अगर पूर्णतः विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो 5 या 3 8 आ 1 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, आ 6 18 18 जो है वह 3 से पूर्णतः विभक्त होगा कि नहीं होगा, 36 18 कट जाएगा। तो ये टोटली संख्या भी क्या होगा, 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। देखिए 6 वाले रूल में हमेशा ध्यान देना है कि जो संख्या दिया हुआ है वह 2 और 3 दोनों का रूल फॉलो करेगा तो 6 से भी डिवाइडेड हो जाएगा। अब 2 और 3 4 5 ये सब रूल इससे पहले वाले वीडियो में विभाजन का जो नियम है, पार्ट 1 वाला वीडियो है, उसको आप लोग जरूर देख लेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारा 6 का रूल था। अब अगला नेक्स्ट रूल देखते हैं 8 का। नेक्स्ट रूल है हम लोग का 8 से। तो 8 का रूल है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं तभी आप लोगों को समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारा फर्स्ट जो है संख्या है कि 35,168, यह क्या है, संख्या है। अब हमको पता करना है कि 35,168 जो है वह 8 से पूर्णतः विभक्त होगा या नहीं होगा। तो रूल में अभी जस्ट बताए थे कि अंतिम 3 अंक, तो 1 2 3, तो अंतिम 3 अंक यही है ना। तो अगर अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो ये टोटल संख्या भी क्या हो जाएगा, 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो 3 अंक यही ना है, 168, 8 से डिवाइड देंगे तो 8 2 16, 8 1 8, यानी 3 अंक हमारा कट रहा है। तो यह टोटली भी संख्या भी क्या हो जाएगा, 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब चलिए 9 का रूल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल है हम लोग का कि 9 से विभाजन का रूल, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि 63,189, ठीक है, यह संख्या है। अब देखना है कि यह टोटल जो संख्या है वह 9 से पूर्णतः विभक्त होगा या नहीं होगा। तो अभी जस्ट रूल में बताए थे कि टोटल अंक को आपस में जोड़ देंगे तो 6 जोड़ 3 आ जोड़ 1 जोड़ 8 आ जोड़ 9 आ कितना से भाग दे देंगे, 9 से भाग दे देंगे। अब जोड़िए 6 3 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 8 18, 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27/9, यानी 9 3 27, यानी यह टोटल अंकों का योग क्या हो गया, 9 से पूर्णतः विभक्त हो गया।
तो ई दी गई संख्या भी क्या हो जाएगा, 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग, 10 का विभाजन का नियम। नेक्स्ट रूल है हम लोग का 10 से, यदि दी गई संख्या के अंत में 0 हो तो दी गई संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। सो सिंपल, काफी ही यह सिंपल है, ठीक है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल कोई भी संख्या लिख दीजिए, ठीक है, और लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो यह टोटली संख्या क्या हो जाएगा, 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब चलिए लास्ट रूल है हम लोग का 11 से विभाजन का नियम, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल है हम लोग को 11 से विभाजन का नियम, इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे, ठीक है। रूल है हमारा कि यदि दी गई संख्या के प्रथम अंक से प्रारंभ करके एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे और शेष बची संख्या को भी जोड़ेंगे, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो इतना लंबा हम डिफिनेशन दिए हैं तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ही एग्जाम्पल में हम समझाएंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग का कि 3113, क्या है 3113। अब यह देखना है कि यह जो संख्या है 3113 वह 11 से पूर्णतः विभक्त होगा कि नहीं होगा। तो अभी जस्ट रूल में बताए थे कि दी गई संख्या के प्रथम अंक से प्रारंभ करके एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे, तो प्रथम संख्या से शुरू किए आ एक अंक छोड़ के क्या किए, जोड़ दिए, तीन के बाद एक अंक क्या है, ए है, एक अंक क्या है, एक ही है, तो इसको छोड़ते हुए नेक्स्ट अंक को क्या करें, जोड़ दिए, तो तीन में एक जोड़ेंगे तो 4। उसके बाद बोला जा रहा है कि शेष बची संख्या को भी जोड़ेंगे, तो शेष संख्या हमारा क्या बच गया, 3 और 1, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 4। तो कह रहा है कि दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर, तो यहां दोनों संख्या क्या है, 4 और 4 है, तो दोनों का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो दी गई संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त आ जाएगी। अब बताइए इसमें दोनों संख्या ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो 4 में 4 घटाएंगे तो 0। यहां डिफिनेशन में क्लियर किए हुआ है कि अगर अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो यहां क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यह टोटल संख्या भी क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। एक सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल कि 9086, ठीक है 9086। अब देखते हैं कि यह संख्या 11 से विभाजन होगा या नहीं होगा, तो प्रथम अंक से शुरू करेंगे, एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे, ठीक है, तो 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, शेष बची संख्या को भी जोड़ दीजिए तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब दोनों का अंतर निकालिए तो 17 माइनस 6 यानी 11। अब बताइए 11 जो है वह 11 का गुणज है या नहीं, तो 11 जो 11 का गुणज है, तो यहाँ हमारा 9086 जो है वह 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा विभाजन का टोटल रूल था। इसमें एक चीज और बताना है, जैसे मान के चलिए लास्ट में कुछ और चीज बता देते हैं जिससे विभाजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको इजी वे में बन जाएगा। मान के चलिए कोई संख्या ले लेते हैं, तो संख्या ले लेते हैं कि 3165, क्या है 3165। अब हमको यह मालूम करना है कि यह संख्या जो है वह 15 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, किससे विभाज्य होना चाहिए, 15 से विभाज्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका क्या करेंगे, 11 से ज्यादा हो वैसे ही इसका गुणनखंड जो तोड़ देंगे, तो इसको 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5, यानी कहने का सेंस है कि यह संख्या जो है अगर 3 और 5 दोनों से विभाजन हो रहा है तो यह 15 से भी क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो 5 का रूल हम लोग पढ़े थे कि लास्ट में क्या होना चाहिए, तो लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 3165 जो है वह 5 से विभक्त हो जा रहा है। क्या 3165 जो है वह 3 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, तो 3 का रूल था कि टोटल संख्या को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद अगर 3 से विभक्त हो जा रहा है तो दी गई संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभक्त
हो जाएगी। तब जोड़िए, तीन में एक जोड़ेंगे चार, चार छः दस, आ पाँच पंद्रह, पंद्रह को अगर तीन से भाग देंगे तो पाँच तीय पंद्रह कट रहा है ना, तो ये टोटली संख्या भी क्या होगा, पंद्रह से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि 11 से आगे जो भी विभाजन का रूल होगा तो सबसे पहले उस संख्या को क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ लेंगे, समझ गए, और उसके बाद जो है उस मेथड पे बना देंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हम जितना मेहनत करते हैं उसका कुछ ना कुछ तो फल मिलना ही चाहिए। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं वीडियो डालता हूं तो सबसे पहले कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय।